देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना आगे महत्व बढ़ रहा है उसमें चाहे हमारा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन सब के बारे में लगातार हम लोग प्रगति अपनी कर रहे हैं। तो आज जैसे रेलवे मंत्री जी के साथ बैठकर के कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर चर्चा हुई है, उसमें जैसा दिल्ली से हिसार तक की जो नई रेलवे लाइन बनाने की बात आई है, उसमें एक नया सुझाव भी आया है जिसके ऊपर अब विचार करेगा डिपार्टमेंट कि उसको एक RRTS के आधार के ऊपर एलिवेटेड एक रेलवे लाइन ऐसी बनाई जाए ताकि फास्ट जो स्पीड की ट्रेन्स हैं वो उसमें संभव हो सके। क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट हिसार का बनता है तो दिल्ली एयरपोर्ट के साथ जोड़ करके जितना फास्ट ट्रेन उस पर चलेगी उतना उसमें लाभ मिलेगा। इसी प्रकार जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, चाहे वो ईस्टर्न है चाहे वेस्टर्न है, दोनों ही हरियाणा में से होकर निकलते हैं, तो उसके लगभग 10 ऐसे नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। उन 10 के 10 नए रेलवे स्टेशन के आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया कैसे उसमें बन सकता है, वहाँ रोड कनेक्टिविटी कैसे बढ़िया हो सकती है, उन चीज़ों के ऊपर हमने विचार किया है। फिर रोहतक की जो एलिवेटेड रेलवे लाइन है उसके साथ नीचे जो खाली जमीन जहाँ पहले लाइन थी उसके ऊपर एक रोड बनाने की बात थी, वो सहमति बन गई है कि जल्दी परमिशन हमको मिल जाएगी और हरियाणा की ओर से हम उस रोड को बना करके ताकि रोहतक शहर का उसको लाभ उसका मिल सके। इसी प्रकार एलिवेटेड रेलवे लाइन कैथल की बननी है, कैथल का भी जल्दी DPR बन करके हमको परमिशन यानी हो जाएगी, यानी रेलवे नहीं बनानी है, वो जल्दी उसको स्पीड कर देंगे रेलवे के ताकि एलिवेटेड रेलवे लाइन कैथल की बन जाए, कुरुक्षेत्र की पहले बनी रही है। तो ऐसे जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर विचार किया ताकि उनकी गति जो है वो तेज़ हो सके और रेलवे का जो ट्रैफिक है वो स्मूथ बने और ज़्यादा लाभ हरियाणा के लोगों को हो सके। हाँ, जो एक मिसिक लिंक पलवल और पृथला का ये एक शेष बचा हुआ है, उसमें ज़मीन अक्वायर होनी है, उसकी भी आज अक्वायर करने के लिए हम डिपार्टमेंट को कह देंगे क्योंकि हमको हरियाणा सरकार को ही अक्वायर करके देनी है ताकि जल्दी से वो लिंक अगर बन जाएगा तो वहाँ का जो इंडस्ट्रियल हब है वो सारे के सारे जो कॉरिडोर वेस्टर्न जो पेरिफेरल कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके साथ जुड़ सके ताकि उसका वहाँ लाभ हो सके। इसी प्रकार जो दूसरा विषय आप जो पूछ रहे हैं, आज प्रातःकाल हमारे जो मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव, उनके साथ भी कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के 2-3 विषय थे जिसके बारे में चर्चा की है। खास करके जैसे CNG PNG के ईंधन का उपयोग करने की बात आई थी नई इंडस्ट्री के लिए, तो हमने कहा कम से कम 1 साल की छूट उसमें होनी चाहिए और उसके अंदर जब PNG CNG का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तभी उसमें से कुछ ना कुछ लाभ मिलना चाहिए। दूसरा एक विषय था जो नजफगढ़ ड्रेन का, नजफगढ़ झील गुरुग्राम के अंदर लगभग 3000 एकड़ पानी उसमें फैल जाता है, तो उसका कोई रास्ता निकालने के लिए एक समझौता हमारा हुआ है कि जो नजफगढ़ रेन है दिल्ली के अंदर से होकर के गुजरती है, यमुना में गिरती है, उसकी जो डीसिल्टिंग है ये बहुत सालों से हुई नहीं है, उसका एक ज्वाइंट कंट्रोल हरियाणा दिल्ली और केंद्र सरकार की ओर से कमेटी बने, उसका कंट्रोल हो ताकि समयबद्ध तरीके से उसका क्लीनिंग डीसिल्टिंग हो जाए और फिर उसमें बांध बनाने की भी आवश्यकता रहेगी ड्रेन नंबर नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर। हरियाणा साइड में जो बांध नहीं बना है उस बांध बनाने की भी हमको परमिशन मिले ताकि वो जो एरिया 3-3.5 हज़ार एकड़ है उसको बचाया जा सके। ऐसे ही एक विषय जो राइस मिलर्स का है, हस्क जलाने का जो बार बार उनकी ओर से रिप्रेजेंटेशन आता रहा है, उसकी भी परमिशन उन्होंने कह दी है, फॉर्मली उसका लेटर हमको मिल जाएगा ताकि जो राइस हस्क है उसको जलाएंगे ताकि उसका उपयोग कर सकें। अन्यथा राइस हस्क एक हैवी, बल्कि हैवी नहीं होता बल्कि बहुत बल्कि एक मटेरियल होता है, उसको स्टोर करना अपने आप में मुश्किल होता है, इसलिए उसका उपयोग उसी के अंदर हो सके। तो ऐसे कुछ विषयों के ऊपर उनसे चर्चा हुई है और बहुत सहमति उन्होंने उनको दे दी। CNG को लेकर कई बार मुलाकात आपकी हो चुकी है, पहले कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट एरियाज हैं, आखिरकार सर उसका डिसीजन क्या हुआ? 2-3 बार ये विषय आ चुका है दिल्ली दौरों में। NCR के अंदर एक NGT ने प्रतिबंध लगा दिया था कि जो नई इंडस्ट्री खुलेगी वो CNG PNG के ऊपर ही आधारित होकर के फ्यूल को कंज्यूम करेगी, अन्यथा चलाने नहीं देंगे। हमने ये कहा कि जब CNG PNG देने का काम ये सरकार का है, कोई जिसने इंडस्ट्री लगाई है वो अपने आप नहीं ला सकते, तो हम जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जितना जल्दी देंगे, इसलिए जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता तब तक नई इंडस्ट्री को छूट मिलनी चाहिए। वो इस बात से सहमत हैं और डिपार्टमेंट से कोई ना कोई किराए करके NGT के माध्यम से उस विषय को डिक्लेयर कराया जाएगा। वो पहले से प्रोजेक्ट है, वो तो प्रोजेक्ट
प्रधानमंत्री जी को कहा हुआ है, प्रधानमंत्री जी का समय जैसे ही नियर फ्यूचर में मिलेगा उसका शिलान्यास करा करके और उस प्रोजेक्ट को हम चालू कराएंगे। उसकी जमीन भी मिल चुकी है, सारा प्रोजेक्ट भी तैयार हो गया है, उस पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए की राशि से प्रोजेक्ट बनने वाला है। उसके अंदर जैसे ही प्रधानमंत्री जी का समय मिलेगा उसका शिलान्यास हो जाएगा। अश्विनी सर से एक सवाल पूछ लेते हैं सर, असीम साहब पूरी तैयारी इतना हरियाणा के लिहाज से 2022 शुरू हो चुका है, रेलवे के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्या कुछ देने वाले हैं? डबल इंजन की सरकार है, बहुत तेजी से काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज सारे पॉइंट्स रेज किए, हम लोगों ने तुरंत वहीं पे बैठे बैठे तारीखों के साथ सब फैसले लिए हैं, तो ये इसी गति के साथ, इसी स्पिरिट के साथ काम करेंगे। धन्यवाद।